वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने यूके के अंदर, आप एक यूनिवर्सिटी है उसने अपनी स्कॉलरशिप ऑफर की हुई है और वो फुल स्कॉलरशिप है। उसके अंदर आप यूके में जाके स्टडी भी आपकी फ्री होगी और आप अपनी अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। और इसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बैचलर है, कि आपने बैचलर किया हो तो आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं स्कॉलरशिप, ये कौन सी स्कॉलरशिप है और मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बता देता हूँ। आप इस पेज को, इसी का एक पेज है, इस पेज का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिसर्च एक्सीलेंट स्कॉलरशिप। UCL Research Excellence Scholarship is our new prestigious scholarship with aims to attract outstanding scholars to undertake doctoral research at UCL। और ये 40 स्कॉलरशिप हैं, इन्होंने लिखा हुआ है। मैं आपको मुख्तसर सी चीज़ें बता देता हूँ। इन्होंने 40 लिखा हुआ है और इसके अंदर ये फुल स्कॉलरशिप होगी, आपको मिलेगी ओवरसीज, और जो उनके लोकल हैं उन्होंने मेरिट बनाना है, जिसके हाई मेरिट होगा उसको वो स्कॉलरशिप दे देंगे। उसके अंदर और कोई उन्होंने कुछ नहीं देखना। इसके अलावा मेंटेनेंस स्टाइपेंड मिलेगा आपको, और इसके अंदर बाकी आप देख लें क्या लिखा। लेंथ रिसर्च पोर्शन, ये आपको स्टेप द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द रिसर्च पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्टडी, जितना उसका कोई स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है ना, 3 साल 2 साल, उतनी देर तक आपको स्टाइपेंड सारा कुछ वो देंगे। अच्छा, उसके अंदर अवेलेबल टू प्रॉस्पेक्टिव एफ करंट स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट, यूके वाले भी कर सकते हैं, ओवरसीज भी इसमें कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी प्रोग्राम इसके अंदर है कि ये फुल टाइम और पार्ट टाइम एमफिल पीएचडी वगैरह के लिए ये स्कॉलरशिप है। उसके बाद नीचे जो इन्होंने लिखा हुआ है एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन्होंने लिखा एटलीस्ट 2 and 1 एट अंडर ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट। अच्छा, मैं आपको ये यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरह बाकी कंट्रीज़ के अंदर होता है कि आपने पहले अंडर ग्रेजुएट करना होता है, फिर आपने मास्टर और फिर आपने पीएचडी करनी होती है, लेकिन यूके के अंदर अंडर ग्रेजुएट के बाद आप डायरेक्ट भी पीएचडी कर सकते हैं। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, इसलिए कि यूके के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अंडर ग्रेजुएट के बाद आपको पीएचडी के में दाखिला दे देती हैं, तो आप डायरेक्ट पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के बाद यूके के अंदर। अच्छा, सक्सेसफुल कैंडिडेट नोटिफाई नोट सेंड टू अ सक्सेसफुल, उसने लिखा है जो जिनको अगर उन्होंने रख लिया। अच्छा, एक और है, इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाए, एलिजिबिलिटी इन्होंने लिखी हुई है कि आपके पास सबमिटेड कम्प्लीटेड एडमिशन अप्लीकेशन करंट हैव सबमिटेड अ कम्प्लीटेड एडमिशन अप्लीकेशन टू और करंटली टू बी रजिस्टर्ड एलिजिबल फुल टाइम पार्ट टाइम एलिजिबल डिग्री प्रोग्राम एट। अच्छा, इसके अंदर सारे ही अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, उनके भी कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट भी कर सकते हैं, यूके के भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम नीचे आ जाते हैं इसके ऊपर कि इन्होंने आपको क्या इसकी वैल्यू क्या है। इन्होंने इसकी वर्थ लिखी हुई है जो 2023-24 के लिए जो इन्होंने आपको इस एक साल के लिए स्कॉलरशिप दी थी वो 20,622 पाउंड थे। इसके अंदर आपकी फ़ी भी शामिल थी और इसके अंदर आपको जो अकोमोडेशन था वो भी इसके अंदर शामिल था। इसमें आप अपनी फैमिली को भी मूव करवा सकते हैं, अगर कोई मेरिट पर्सन है तो अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकता है इस स्कॉलरशिप के ऊपर। अच्छा, बाकी इन्होंने लिखा है इन्फ्लेशन के साथ इसका रेट इसका बढ़ता रहता है, शायद थोड़ा सा और हो जाए। इसके अलावा 1,200 आपको एक्स्ट्रा भी देंगे अगर ये अगर आपको ये होगा एडिशनल रिसर्च कॉस्ट के लिए। नीचे आपको मेंटेनेंस स्टाइपेंड, ये हमने सारा लिखा हुआ है कि हर एक को देंगे। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद इन्होंने सिलेक्शन लिखा हुआ है कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन के अंदर मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि जो उन्होंने लिखा हुआ है, द फाइनल डिसीजन है मेड UCL सिलेक्शन पैनल। अच्छा, वो इसका फाइनल इसका डिसीजन लेगा कैंडिडेट्स अगेंस्ट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अच्छा, वो उसको ये चेक करेंगे, उनके एकेडमिक एक्सीलेंस को चेक करेंगे, रिसर्च पोटेंशियल को चेक करेंगे कि आपके अंदर रिसर्च के मसलन के वो आपसे इंटरव्यू वगैरह अगर उन्होंने भी कंडक्ट करना हो तो इंटरव्यू वगैरह भी आपसे ले सकते हैं स्काइप वगैरह के थ्रू। अच्छा, इसके अंदर अप्लाई, इसके लिए अप्लीकेशन एडमिशन आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, करने के बाद अप्लाई फॉर एडमिशन UCL
सबमिट योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स टू योर एकेडमिक डिपार्टमेंट। आपने अपने एकेडमिक डिपार्टमेंट को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड करने हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे उन्होंने उसकी लिस्ट दी हुई है। ये अगर हम इस लिस्ट के ऊपर जाएं तो ये देखें, ये जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है इस पर मैं बाद में जाता हूँ, पहले उसकी बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये उन्होंने लिखा हुआ है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आर फॉलोज। उसके बाद आपकी जो ये स्कॉलरशिप शीट कवर, ये आपने इनको डाउनलोड करके इनको देना है, ठीक है। यहाँ पे जो लिस्ट है इन जो यहाँ पे जो लिस्ट प्रोवाइड इन्होंने की है, उनको आपने सारी चीज़ें ये भेजनी है। फिर क्या, ये जो उन्होंने पहला इन्होंने मांगा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि इसको आपने रिसर्च स्कॉलरशिप कवर शीट, रिसर्च स्कॉलरशिप कवर शीट वो इसकी बात कर रहे हैं, आपने इसको फिल करना है, ठीक है। फिल करके आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, सारा कुछ यहाँ पे नेशनैलिटी लिखनी है, कंट्री लिखना है। ये फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पे आपने फिर अपनी यूनिवर्सिटी और सारा यहाँ पे आप देख लें, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, सारा इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। सिंपल सा फॉर्म है, जिस तरह आपकी एकेडमी का जो है, जिस तरह आपने ऑनलाइन फॉर्म नहीं यूनिवर्सिटी का फिल होता है इस तरह, लेकिन उन्होंने आपको वर्ड के ऊपर दे दिया कि इसको आपने फिल करके, तो इस तरह करके आपने फिर इनको बाय मेल ही भेज देना है। मतलब यहीं से आप इसको फिल कर दें, फिल करने के बाद इसको बस इसको फिल करके इसको ओके करके इसको साथ अटैच करके भेज दें। अच्छा, ये वाली आपका हो गया। अभी फिर इस पे आ जाते हैं। इस पे आने के बाद जो सेकंड है, आपने उनको अपनी सीवी भेजनी है, जो करंट सीवी जो आपने लेटेस्ट आपने उसको अपडेट किया हो। उसके बाद अ ले समरी, उसके अंदर आपने उनको प्रपोजल बताना है कि किस कौन सी रिसर्च करने के लिए आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, और रिसर्च क्या है उसका आपने थोड़ा सा उनको बताना है। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि आप उसको के एक्सप्लेन करना है कि जी ये मैं इस चीज़ में रिसर्च करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा हूँ, तो इस फील्ड के अंदर मैंने रिसर्च करनी है। सारा उनको एक थोड़ा सा ना आपने उनको ब्रीफली बताना है कि मैंने किस तरह टाइप की रिसर्च आपके इधर आके करनी है, किस डिपार्टमेंट में करनी है, किस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद आपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट उनको भेजनी है, और रेफरेंस लेटर आपने उनको, दो रेफरेंस लेटर भेजने हैं आपने उनको। अच्छा, ये जो रेफरेंस लेटर है उसको मैंने देखें, ये जो पहला रेफरेंस लेटर है ये आपका अकेडमिक का होगा, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं वो प्रोफेसर जो है वो यहाँ पे लिखेगा सारा अपने, वो बाद में अपने थोड़ा सा अपना बताएगा कि मैं स्टूडेंट के बारे में क्या क्या कहता हूँ, फिर नीचे भी वो बताएगा इस तरह करके ना, ये आपका प्रोफेसर जो होगा वो इसको फिल करेगा, इसको नीचे फिर वो अपना कांटेक्ट डिटेल सारा कुछ देगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप इसको किसी भी प्रोफेसर से इसको करवा लें। ये जो फिर उसके बाद एक रेफरेंस लेटर है, सेकंड रेफरेंस लेटर का मैं आपको बता देता हूँ। आप जब सेकंड रेफरेंस लेटर पे जाएंगे तो ये इनका सेकंड रेफरेंस लेटर है, और सेकंड रेफरेंस लेटर है वो रिसर्च एकेडमिक फॉर्म का है। इसके अंदर आपका जो प्रोफेसर होगा वो भी आप प्रोफेसर से ही बनवाएंगे, वो जो होगा वो बताएगा कि इस स्टूडेंट को हमने इस फील्ड में बहुत अच्छा पाया है, ये वो इस टाइप का ना वो यहाँ पे लिखेगा सारा कुछ। ये भी आपके प्रोफेसर जो होंगे यूनिवर्सिटी के वही इसको हल करेंगे। अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मास्टर हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम चले जाते हैं कि ये तो रेफरेंस, बस यही इसकी चीज़ें हैं मेन मेन जो आपने उनको भेजनी है। एक आपने अपना स्कॉलरशिप की जो शीट है वो भेजनी है, वो जो रिसर्च कवर शीट वो जो आपको मैंने अभी दिखाई है, ये वाली रिसर्च स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कवर शीट, इसके ऊपर तो आपके तमाम या आपके जो डिग्री के सारे रिकॉर्ड हैं वो आएंगे, जो जो कुछ आपने पढ़ा है मैट्रिक से लेके बैचलर तक या मास्टर तक वो आएंगे। फिर उसके बाद दूसरा सीवी, और बाद में एक समरी रिसर्च की, और दो रेफरेंस लेटर, बस आप यही है। अच्छा, आपने भेजने की तरह और करना क्या है, यहाँ पे उन्होंने जो ऊपर इसका एड्रेस दिया हुआ है आपने सिंपली जाके यहाँ पे उनको भेज देते हैं। जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो ये पेज खुल रहा है। इस पेज के ऊपर जाके इन्होंने जो दिया हुआ है रिसर्च स्कॉलरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्ट्स, ये इन्होंने नीचे जो है फर्ज किया, अगर आपने किस में आपकी कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, फर्ज किया आपका फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस है, फर्ज किया आपका ह्यूमैनिटी, फर्ज किया आपका ब्रेन साइंसेज है, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ब्रेन साइंसेज के जितने भी हैं इंस्टीट्यूट उसके डिपार्टमेंट हैं वो सबके नाम आ गए हैं बारी बारी। अगर आप नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या कल्चर कम्युनिकेशन एंड मीडिया, उसका उन्होंने ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाएं लर्निंग एंड लीडरशिप, उसका उन्होंने ये दिया। फर्ज किया अगर आप इसके अंदर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट जो ऊपर मैंने अभी बताए हैं वो तैयार करके इस ईमेल के ऊपर आपने इनको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, यहाँ ये जो ईमेल लिखा हुआ है।
तो अगर उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया तो वो आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए, इसलिए कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है और इसके लिए कोई टोफल आइलेट्स कोई किसी रिक्वायर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और उन्होंने वादे तौर पे लिखा हुआ है कि हम इसके अंदर कोई कुछ नहीं देख रहे कि जी स्टूडेंट का बैकग्राउंड कित कैसा है, मसलन कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसलिए उन्होंने आपको स्कॉलरशिप देनी है। अगर आप ये स्कॉलरशिप ले लेंगे तो आपको 100% ही यूके का वीज़ा मिल जाएगा और आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मूव हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।